वेलकम टू एग्ज़ाम रिविजनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एनटीए नेट हिंदी के प्रश्न पत्र को। जो ये प्रश्न पत्र है, हाल ही में ये आयोजित की गई थी, जून में ये परीक्षा उसी से संबंधित है। इसकी अब ऑफिशियल आंसर की आई है, उसी पर आधारित यहाँ पर सभी प्रश्नों को आपके समक्ष लाए हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमने इसके एक पार्ट को तो डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने लगभग 55 के आसपास प्रश्नों को डिस्कस किया था। इसके आगे के प्रश्नों को अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज इसके दूसरे पार्ट में सारे प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर देंगे। और देखिए, हर एक प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। ऐसा आपने नहीं सोचना है कि आप लोग एलटी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न नहीं पूछेंगे। जो हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा होती है, वहाँ पर प्रश्नों का रिविज़न होता रहता है, प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए ध्यान से इन प्रश्नों को आपने रिविज़न करना है। जो नहीं आते होंगे उनको नोट करना है। भविष्य में आगामी किसी भी परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न रिपीट होते हुए देखेंगे, ठीक है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, हर एक तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी टीम के द्वारा जो कोर्स पीजीटी हिंदी के लिए चलाया जा रहा है, उसके संबंध में जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी के लिए न्यू बैच 15 जुलाई 2023 से शुरू किया जा रहा है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा, तो वो जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर संपर्क कर सकता है और जल्द से जल्द इसमें एनरोल हो सकता है। 15 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो 15 जुलाई से पहले आपने इसमें एडमिशन लेनी है। तो फीस भी यहाँ पर बता दी गई है, और जो शुरू के 10 कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पर छूट भी रहेगी 200 की। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, आपके नियर डियर होंगे, कोई भी होगा, तो जल्द से जल्द इसमें एनरोल हो जाए। बाकी देखिएगा, कई बच्चे कॉल करते हैं, तो कई बार कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ मैं, तो इससे बेहतर है कि आप व्हाट्सएप ही करें, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर एलटी टेट वाला बैच भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है एचपी एलटी टेट के लिए न्यू बैच। ये कब से बैठेगा? ये 25 जुलाई 2023 से बैठेगा। इसमें भी अगर आपके कोई नियर डियर या फिर आप स्वयं जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ ऑनलाइन करवाई जाएगी, महत्वपूर्ण चीज़ें इत्यादि सेंड की जाती रहेंगी। अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके सारी डिटेल ले सकते हो। तो रुख करते हैं अपने प्रश्न पत्र की ओर। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को रचनाकाल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइएगा। देखिए, तो यहाँ पर जो पहले क्रम में आएगा, सबसे पहले जिसका नंबर आएगा, तो वो होगा परिवर्तन कविता। पंत जी की परिवर्तन कविता है, बी सबसे पहले आएगा। उसके पश्चात कुकुरमुत्ता आएगी निराला जी की, दूसरे नंबर पे ये है। तीसरे नंबर पे आएगी आपकी कुकुरमुत्ता निराला की है। तीसरे नंबर पर असाध्य बीना आएगी, किसकी है ये? अज्ञेय की है ये रचना। फिर मोचीराम कविता, मोचीराम नहीं, अंधेरे में आएगी चौथे नंबर पर। ये मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में। सबसे अंत में धूमिल की कविता आएगी मोचीराम। इस प्रकार से ये क्रम रहेगा। अगला प्रश्न है, कबीर साहित्य के अध्येता हैं, तो बताना है कबीर साहित्य के अध्येता किस किस को माना जाता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है, डॉक्टर धर्मवीर है जो, इन्होंने कबीर साहित्य पर काफ़ी गहनता से अध्ययन किया था, एक तो ये माने जाते हैं। दूसरे होंगे पुरुषोत्तम अग्रवाल। तीसरे हैं डेविड लॉरेंजन। ये तीनों ही कबीर साहित्य के अध्येता माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी अलग अलग से पूछा जाएगा, क्या पुरुषोत्तम अग्रवाल कबीर साहित्य के अध्येता हैं? जी बिल्कुल हैं, धर्मवीर भी हैं, डॉक्टर धर्मवीर, डेविड लॉरेंजन भी हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आकारांत एक वचन पुलिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? तो ये होगा ए, विकल्प बी सही होगा यहाँ। इसके पश्चात अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही का उत्तर चयन करना है। यहाँ पर एक तरफ कवि दिया गया है और दूसरी तरफ अध्येता दिए गए हैं। किस विद्वान के द्वारा किस कवि पर अच्छे से रिसर्च की गई है, उसके संबंध में जानकारी बतलाई गई है, वो जैसे कि यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। विद्यापति पर किसका गहन अध्ययन रहा है? तो ये शिव प्रसाद सिंह का रहा है, शिव प्रसाद सिंह का, एक का चार। फिर सूरदास पर किसका रहा है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो अपने कबीरदास पर है, इनके ऊपर भी गहन अध्ययन करा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आप लोगों को ये भली भांति परिचित होगा कि जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्र हैं, ये एक तरह से कबीरदास को नकारते हैं, परंतु कबीर जो कबीरदास को किसके द्वारा निखारा गया है, किसके द्वारा इनके महत्व को उजागर किया गया है, कबीरदास के महत्व को, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। फिर जो बिहारी को किसने अच्छे से पढ़ा लिखा है, तो ये बच्चन सिंह हैं। फिर घनानंद, ये अपने इमरे वंगा है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन है, तो कौन कौन से भारतीय नवजागरण से संबंधित उपयुक्त कथन होंगे। पहला कथन देख लेते हैं, नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। बिल्कुल सही होगा ये। फिर है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलन की निंदा की। बिल्कुल गलत है ये। जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, इन्होंने स्त्री अधिकार आंदोलन की कभी निंदा नहीं की है, बल्कि प्रोत्साहन करते रहते थे वो इन आंदोलनों को। फिर है, औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। बिल्कुल सही होगा ये भी। फिर अगला है डी, स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। ये गलत है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। वो कहते हैं कि जो भगवान है, ये किसी एक मूर्ति के अंदर नहीं है, ये पृथ्वी के इस संसार के कण कण में समाये हुए हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ अंतिम कथन होगा, भारतीय नवजागरण के जनक राजा राममोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। ये भी सही होगा। तो इस प्रकार से कथन ए, कथन आपका सी और कथन ई, ये तीनों सही होंगे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नांकित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर लगाना है। सबसे पहले कौन आई, उसके पश्चात कौन आई, देखिएगा। सबसे पहले पुस्तक आई थी इतिहास और आलोचना, एक नंबर पर ये आएगी। फिर दूसरे नंबर पर आई थी कविता के नए प्रतिमान, दो नंबर पुस्तक। तीसरे नंबर की पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज। और चौथे नंबर की पुस्तक कौन सी होगी, कविता की जमीन और जमीन की कविता। अंतिम और पांचवें नंबर की पुस्तक कौन सी है, आलोचना और विचारधारा। ये इस प्रकार से क्रम रहेगा यहाँ पर। अगर प्रश्न बने कि ये सारी की सारी आलोचनात्मक पुस्तकें किसकी हैं, तो ये डॉक्टर नामवर सिंह की होंगी, ये भी ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर दिया गया, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं, तो बताना है कि इनमें से कौन कौन से रीति ग्रंथकार कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माने गए हैं। कुलपति मिश्र ये माने गए हैं, बेनी बंदीजन ये भी माने गए हैं, बख्शी हरवंश हंसराज ये भी माने गए हैं। नहीं, इन्हें नहीं माना गया है, बख्शी हंसराज को नहीं माना गया है, ये माने गए हैं आपके ग्वाल कवि। ये रीति ग्रंथकार स्वीकृत किए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ठीक है ना। कुलपति मिश्र, बंदीजन और आपके ग्वाल कवि। अगले प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले, सबसे पहले जो रचना आएगी, तो वो आएगी आपकी इतिहास तिमिरनाशक, एक नंबर की रचना है। फिर होगी दुर्लभ बंधु। तीसरे नंबर पर जो रचना आएगी, चंद्रकांता संतति। चौथे नंबर की रचना हो जाएगी आदर्श हिंदू। और पांचवें नंबर की रचना हो जाएगी पथिक। ये क्रम यहाँ पर सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ,
संस्कृति के चार अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं? तो देखिए, गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता के उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया करते हैं। सही होगा ये। फिर दूसरा सही होगा यहाँ पर, तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। अगला जो सत्य कथन है, तिलक जी ने बताया है कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। तो ये तीन कथन यहाँ पर सही होंगे संस्कृति के अध्याय में तिलक जी के बारे में। और ये प्रश्न बने कि जो संस्कृति के चार अध्याय, ये किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना होगी। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? तो भारतेंदु के जो निबंध होंगे, वैष्णवता और भारतवर्ष, लेवी प्राण लेवी, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये तीन जो निबंध हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के हो जाएंगे। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त हैं, कौन कौन सी उपयुक्त होंगी? जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसे लिखा जाता है, पूर्ण तो सही है। एक लिपि चिन्ह में अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है, तो ये असत्य होगा यहाँ। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है, ये सही है। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती हैं, गलत होगी। स्पष्ट सी बात है, जो पंजाबी है ये देवनागरी में नहीं लिखी जाती, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। फिर ध्वनि और संकेत में निश्चितता है, तो ये तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, इनका ध्यान रखना है, ए सी और ई, ये तीन कथन सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तकों में उद्धृत काव्य पंक्तियां और पुस्तकों को मिलाना है, जैसे कि उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा, ये किस रचना से संबंधित होगा? तो ये था क्या भूलूं क्या याद करूं रचना से। फिर है सोने की थारी में जेबना परोसो, रामा जेबना ना जेवे हमारा बत्मा, ये कथन किससे संबंधित होगा? मूर्धिया आत्मकथा से। फिर अगला है तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, ये किससे संबंधित कथन होगा? संस्कृति के चार अध्याय से। फिर है जीवन मंथन से निकला विष, जो तुमने पान किया, ये किससे संबंधित होगा? अबारा मसीहा से। इस प्रकार से जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प तीन। देखिए यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है, संस्कृति के चार अध्याय किसकी रचना है, ऊपर बता दिया था, अबारा मसीहा किसकी रचना है, विष्णु प्रभाकर की, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की हो जाएगी, मूर्धिया ये किसकी है, डॉक्टर तुलसीराम की। फिर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही का उत्तर चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है, तो कौन कौन से सत्य होंगे? अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुंजड़ी, हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं, तो ये गलत है, ये कथन तो ऐसा नहीं था वहाँ पर। फिर दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है, तो ये सत्य है। अगला है, महाभोज आधे अधूरे और अषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है, तो ये भी सही होगा। फिर स्कंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना ने गाया है, तो ये भी सही है। फिर अंत में है, भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग मिलकर एक गीत गाते हैं, तो ये भी गलत होगा, वो डिस्कस करते हैं, गाना वहाँ पर कोई नहीं गाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ,
भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों को निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले जो आता है प्रश्न विकल्प के अनुसार, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए उन उसके हिसाब से सही होगा, भारत सबसे पहले आएगा एक नंबर, उसके पश्चात भारत दुर्दैव आता है, तीसरे नंबर पे आता है रोग, और चौथे नंबर पर आलस्य, और पांचवें नंबर पर मदिराती है, ये क्रम होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द हैं, तो जो अभिकारी शब्द कौन है, क्रिया विशेषण ये आपका अभिकारी शब्द होगा। अगला प्रश्न यहां पर है, भारत लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म है, कौन सा होगा यहां पर, वो बकरी और महाभोज, ये दोनों ही भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाले नाटक होंगे। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए बकरी नाटक किसका है, तो ये आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का हो जाएगा, महाभोज ये आपका मनु भंडारी का हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न बन सकता है किसका है और क्या इसका विषय है, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना यहाँ पर की गई है, बतलाया गया है किस प्रकार से घटिया राजनीति यहाँ पर की जाती है। अगला है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करें, तो जो क्रम यहाँ पर सही होगा तो इस प्रकार से है, पहले नंबर पे तो आएगा आपका जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है, कथन एक। इसके पश्चात जो अगला है दूसरे नंबर पे जो आएगा तो वो है आपका, इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धता का प्रतीक नहीं है, दो नंबर। तीसरे में जो आएगा तो वो होगा, डैश से ज़्यादा असभ्यता अश्लीलता है, अनैतिकता है, तीसरे नंबर पे ये कथन होगा। चौथे नंबर पे ये वाला कथन है आपका, क्या है इसमें, जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिन हिनाकर दे जाता है। सबसे अंत में ये कथन आएगा आपका, तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। इस प्रकार से कुछ इसका क्रम रहेगा, काफी डीपली प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्ध समृत स्वर कौन से हैं, ए और ओ ये आपके अर्ध समृत स्वर होंगे। अगला प्रश्न है, आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज़म से होता है, तो जो नज़म थी शहर अशोभ कह सकते हैं, किसका नाटक है ये आगरा बाजार, हबीब तनवीर का। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में देते हैं, या उन्हें कितनी मिलती है तोहफे में वस्तुएँ, तो मूल्य होता है इनका 25,000 रुपये। अगला प्रश्न किया है सत्य कथन, तो यहाँ पर जो सत्य कथन होंगे वो इस प्रकार से हैं, भरत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है, सही हो जाएगा। फिर कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, ये भी सही है। फिर भोज ने अवंतिका और मागधी नामक दो वृत्तियों की उद्भावना की है, ये तीनों सही कथन हो जाएंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है, जो महाप्राण ध्वनि कौन सी होगी यहाँ पर, तो महाप्राण ध्वनि है आपकी ख, घोष ध्वनि कौन सी है ज, फिर है पार्श्विक व्यंजन कौन सा माना जाता है, तो ये है त, और लोड़ित व्यंजन कौन सा है यहाँ पर, र, इस प्रकार से ये क्रम यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जब आप आगे से एंटी नेट की तैयारी करेंगे तो आपको ग्रामर पर भी फोकस करना है, क्योंकि पहले देखिए जब जिस समय हम तैयारी करते थे, जिस समय हमारा JRF हुआ, उस समय जो ग्रामर के कम ही प्रश्न पूछे जाते थे, अब देखिए प्रश्न पत्र को देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं ग्रामर से,
इसलिए आपको अच्छे से कोई एक ग्रामर की पुस्तक देखनी है, कांता प्रसाद गुरु की जो हिंदी ग्रामर करके काफ़ी अच्छी पुस्तक है, कांता प्रसाद गुरु। कहीं पर भी जाइएगा शॉप में, वहाँ पर नाम लीजिएगा इसका, तो उसको पढ़ के आप परीक्षा को दीजिए, आपके ग्रामर के सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, शरद के संबंध में उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं। पहला जो उपयुक्त होगा, शरद बचपन से डरपोक स्वभाव के थे, गलत, बहुत साहसी थे शरद बचपन से ही। दूसरा कथन क्या है, गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा है, तो ये पूर्णतः सही होगा, बचपन से ही ये घर से निकल गए थे कुछ कार्य करने के लिए, अपना उच्च स्थान मनवाने के लिए। फिर शरद बाबू की रचनाओं पर ब्रजबहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ है, सही होगा ये कथन। फिर अगला जो कथन है यहाँ पर, अपने भाई की समाधि शरद के घर के पास नदी के तट पर बनाई थी, ये भी सही है। फिर शरद ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था, तो ये गलत है, इनके द्वारा वसीयतनामा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है, तो ये किया गया था राम मनोहर लोहिया के। अब देखिए जो राम मनोहर लोहिया होगे, जयप्रकाश नारायण होगे, इनकी जो विचारधारा वाला पाठ था, इससे भी प्रश्न बन रहे हैं, इसको भी आपने आगामी परीक्षा हेतु ध्यान से पढ़कर जाना है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है, सूची ए को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, स्त्री पात्र को उसके पति या प्रेमी के साथ सम्मिलित करना है, जो शिला है ये किससे संबंधित रहेगी, रतन से संबंधित है, तारा ये किससे संबंधित होगी, असद से संबंधित होगी, कनक ये किससे संबंधित है, पुरी से है, उषा ये आपकी है, राजेंद्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, मालवी का केंद्र है, तो बताना है मालवी का केंद्र कहाँ माना जाता है, इंदौर में। अगला प्रश्न, तीसरी कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से हुआ, एक तो था मथुरा मोहन कंपनी और दूसरा रोहता कंपनी, इन दो कंपनियों से हीराबाई का संबंध रहा है। तीसरी कहानी किसकी है, रेणुजी की कहानी है ये तीसरी कसम। अगला प्रश्न, कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द चरेव का क्या अर्थ है, काला चरेव का क्या अर्थ है, तो ये हुआ सुहाग चिन्ह, सुहाग चिन्ह। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के अनुसार बावनदास ने मृत्यु स्थल को बावनदास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दिया, तो ये दिया था चेत्रिया पीर का, चेत्रिया पीर का रूप दिया था ग्रामीणों ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक रूप हिंदू तुर्क दूजी दशा ना कोय, मन की दुविधा मानकर भय 102, यह कविता किस कवि की है, तो ये बनारसी दास जैन की हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था, 1927 में ये आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है, कथन किसके बारे में है, सरदार पूर्ण सिंह का ये निबंध है, इसमें इन्होंने भेड़ चराने वाले के बारे में बतलाया गया है, ठीक है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन करना है, ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है, जो विवेकानंद के संबंध में ये कथन कहने हैं कि कौन से सही होंगे कौन से गलत होंगे। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, मजबूत बनो कायर और लिबलिबे ना बनो, साहसी बनो कायरों की ज़रूरत नहीं है, तो ये कथन तो सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर दिया गया है,
समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है, ये कथन भी सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी और उनमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना पैदा करेगी, तो ये गलत होगा, इस तरह का कथन उन्होंने नहीं कहा था। फिर अगला कथन है डी, मानव हृदय में से संगीन की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं रखता है, तो ये भी गलत हो जाएगा कथन, ये भी सत्य नहीं होगा। अगला कथन है, समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, ये तीन कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे साइंस एंड पोइट्री के IA रिचर्ड्स, ए सही विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। प्रश्न है, पाश्चात्य काव्य चिंतक वर्ष के अनुसार पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो देख लेते हैं, जो सबसे पहले आएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ पहले नंबर पर आते हैं, दूसरे नंबर पर आएंगे कॉलरिज, तीसरे नंबर पर जो यहाँ पर आएंगे मैथ्यू अर्नॉल्ड, चौथे नंबर पर आएंगे आपके T.S. एलियट और सबसे अंत में आएंगे IA रिचर्ड्स। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन ना मिली थी, तो ये होगा 5 वर्षों तक पेंशन नहीं मिली थी। फिर अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं, तो बताइएगा कौन कौन से शीर्षक होंगे परीक्षा गुरु उपन्यास के, तो देखिए प्रामाणिकता ये तो प्रकरण है एक, अदालत भी है और प्रेत और भय ये भी है, तो ये तीनों प्रकरण परीक्षा गुरु उपन्यास के शीर्षक के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर, अब ये आ गया आपकी पैराग्राफ वाले, तो पूरा पैराग्राफ तो नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर, जो जो सही होंगे उनको आपको बता देता हूँ, बाकी आप आराम से इनके पहरे को पढ़कर उत्तर को सॉल्व कर सकते हो, बाकी आपने यहाँ पर इसकी आंसर की ही तो चेक करनी है, आप इजीली कर लीजिए इसे सॉल्व। पहला प्रश्न था, उपयुक्त अनुच्छेद में किस ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख नहीं है, तो जो मिल्टन है इसका उल्लेख नहीं मिलता है, बाकी मैकॉले बायरन और मार्क्स इन तीनों का उल्लेख मिलता है। फिर अगला प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार आधुनिक चिंतन के जिन पश्चिमी रचनाकारों विचारकों ने प्रोत्साहन प्रदान किया उनमें नहीं है, तो जो नहीं होंगे तो नीत्से नहीं होंगे, बाकी मिल स्पेंसर और लॉक ये तीनों होंगे, उपयुक्त पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको ये तथ्य मिलेंगे। फिर अगला प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी राज में शिक्षा संबंधी सुधारों का उद्देश्य नहीं था, तो भारत की आत्मा को नवजीवन देने के लिए ये शिक्षा नहीं थी, बाकी ब्रिटिश शासन के प्रति अपनत्व पैदा करने के लिए थी, अंग्रेजों की महानता का डंका पीटने के लिए थी, जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए ये शिक्षा थी। फिर पश्चिमी विचारों ने निर्णायक भूमिका अदा की है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी शिक्षा द्वारा भारत में विकसित का विचारधारा का अंग नहीं था, तो ये सर्वधर्म संभाव ये नहीं था। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों में जो नई चेतना जागी उसने भारतीयों पर क्या प्रभाव डाला, तो ये प्रभाव पड़ा कि भारतीयों में पश्चिम के प्रति घृणा का भाव जागृत हो गया और वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार हो गए। अगला प्रश्न है, उपयुक्त उद्धरण के अनुसार मानवता के विकास को जड़ बनाने वाली अपराधी कौन है,
वे जो पुराने विश्वासों की चीख पुकार मचाते रहते हैं। अगला है, उपयुक्त उद्धरण के अनुसार यथार्थवादी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सभी प्राचीन विश्वासों को चुनौती देनी चाहिए, विकल्प ए सही होगा। अगला है, यदि पुराने विश्वास खंडित हो जाएं तो उपयुक्त उद्धरण के अनुसार यथार्थवादी व्यक्ति का पहला काम क्या होगा? तो होगा पुराने विश्वासों के स्थान पर नए दर्शन की स्थापना के लिए जगह साफ करना, विकल्प तीन यहां सही होगा। अगला प्रश्न है, उपयुक्त उद्धरण के अनुसार विवेकवान व्यक्ति क्या चाहेगा? विवेकवान व्यक्ति चाहेगा वातावरण को तार्किक रूप से समझना। अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त उद्धरण के अनुसार विकास के लिए मनुष्य को क्या करना होगा? विकास के लिए मनुष्य को प्रचलित मतों को तर्क की कसौटी से बचाना होगा, विकल्प दो यहां सही होगा। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। मुझे पूर्ण आशा है कि आपने इसको इजीली देखा होगा, जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको लगे होंगे उनको आपने यहाँ पर नोट किया होगा। तो अब यहाँ पर वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको फिर से रूबरू करवाता हूँ कोर्स से संबंधित जानकारी के संबंध में। HP PGT हिंदी के लिए न्यू बैच बैठ रहा है 15 जुलाई 2023 से। जो भी आपके रिलेटिव होंगे या स्वयं आप होंगे, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8219312129। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। बाकी HP LT TET के लिए भी बैच बैठ रहा है 25 जुलाई 2023 से, तो इसमें भी अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।